स्वागत है सभी का HL ट्रिक की जीके क्लास में। इसके पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था उपमा अलंकार पर, विस्तृत चर्चा किया गया था, उसको जरूर आप देख लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। आज हम चर्चा करेंगे रूपक अलंकार पर, यह भी अर्था अलंकार का एक भाग है। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय में उपमान की एक रूपता बताई जाए वहाँ रूपक अलंकार होगा। यानी कि रूपक अलंकार क्या करता है? दो चीज़ों को एक कर देता है। दो चीज़ों को जो एक कर देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रूपक अलंकार। जैसे कि इसको उदाहरण के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, जैसे पेन ही पेंसिल है तो कौन सा अलंकार होगा? तो ये रूपक अलंकार होगा। अगर ये कह दिया जाए पेन पेंसिल के समान है तो वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। यानी दो वस्तुओं के बीच में अगर तुलना की जा रही है तो उपमा अलंकार होगा, अगर दो वस्तुओं को एक बताया जा रहा है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। आइए उदाहरण के माध्यम से समझें। चरण कमल बंदो हरि राई, तो जो हरि का जो चरण है वही क्या है? कमल है, यानी कि चरण ही कमल है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। एक और देखिएगा, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, तो यहाँ पर मन को क्या बताया गया? सागर। शशि मुख पर घूंघट डाले, शशि चंद्र, मुख चंद्र मतलब मुख को क्या बताया गया? चंद्र, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार होगा। इसके अलावा एक और उदाहरण देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यानी मुझे चंद्र खिलौना चाहिए, चंद्र के जैसा नहीं चाहिए। अगर जैसा कर दिया गया तो समझ लीजिए उपमा अलंकार होगा। यहाँ पर बात की जा रही है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मतलब चंद्र ही चाहिए, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार होगा। तो इसको आप जरूर देखिए, महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक और उदाहरण देखिए, लगभग 10 उदाहरण दिए गए हैं, इसको जरूर देखिए। अपलक नभ नील नयन विशाल, नील ही नयन है और नयन ही क्या है? विशाल है। एक और उदाहरण देखिएगा, विषय वारि मन मीन भिन्न नहीं, मन ही मीन है। एक और देखिएगा, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग, तो यहाँ पर भी एक रूपता बताई जा रही है। एक और देखिएगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन यानी कि राम रतन जैसा नहीं, तो यहाँ पर भी हो जाएगा रूपक अलंकार। मुख रूपी चांद, मुख ही क्या है? चांद। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार होगा। उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, तो यहाँ पर भी एक रूपता का प्रतिपादन किया जा रहा, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार होगा। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार पर। जी हाँ, उत्प्रेक्षा अलंकार तीसरा अलंकार अर्था अलंकार के अंतर्गत। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए वहाँ पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे इसकी पहचान है किसी वाक्य में, जन जानो मन मानो जनहु मनहु ज्यों मनु, ये अगर किसी वाक्य में आता तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो ये बहुत ही आसान अलंकार है, इसको उदाहरण के माध्यम से समझिए। इस कान मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसकी दूसरी लाइन है, ने यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन आप पहले ही वाक्य में इसको आप समझ सकते हैं मानो, तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। एक और देखिएगा, दूसरा उदाहरण, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, तो यहाँ पर भी जो मानो है यही पहचान है, ये भी उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। एक और उदाहरण देखिएगा, मानो माई घन घन अंतर दामनी, तो ये पहली ही लाइन में आपको उत्प्रेक्षा अलंकार मिल रहा है,
तो यहाँ पर भी आपको उत्प्रेक्षा अलंकार दिख रहा होगा। इसके अलावा और देखिएगा, और भी उदाहरण है, इसको समझने का प्रयास करें। चौथा उदाहरण देखिए, चमचमात चंचल नयन विच घूंघट पट छीन मनहु सुर सरिता विमल जल उदरत जुगमीन। तो यहाँ पर मनहु आया है ये शब्द, यही है उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान। एक और उदाहरण देखिएगा, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनोह नील मण शैल पर आतप परियो प्रभात। तो यहाँ पर मनहु, तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार। एक और उदाहरण देखिएगा, फूले कांस सकल महछाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो यहाँ पर इस वाक्य में जो जनु है, यही है उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान। तो ये थी उत्प्रेक्षा अलंकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और बेहद ही उपयोगी जानकारियाँ, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। और भी देखिए, चौथा अलंकार कौन सा है अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत। चौथा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? देखिए, जो चीज़ें बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कही जाती है उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे कि भूप सहस दस एक ही बारह लगे उठावन टरत नटारा। मतलब एक धनुष को हजारों लोग मिल करके जो है उसको हिला तक नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार होगा। एक और उदाहरण देखिएगा, बालों को खोल कर मत चला करो दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। तो यहाँ पर भी बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात की गई है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार ही है। एक और उदाहरण देखिएगा, आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पर भी देखिएगा अतिशयोक्ति अलंकार। एक और उदाहरण देखिएगा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर भी देखिए अतिशयोक्ति अलंकार साफ साफ आप देख पा रहे होंगे। तो इतना आप समझने का प्रयास करें, हनुमान की पूंछ में आग लगी ही नहीं और लंका पहले ही जल गई। तो ये है अतिशयोक्ति अलंकार, जरूर समझें और समझने का भी प्रयास करें, हमेशा कमियां ना निकालें, सुधरने का भी प्रयास करें। दूसरों में अगर आप कमियां निकालेंगे तो आप खुद में कभी सुधार नहीं कर पाएंगे, सीखने का प्रयास करें। एक और देखिएगा, उल्लेख अलंकार, ये है पांचवा अलंकार। किसे कहते हैं? विषय भेद से एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन करना ही उल्लेख अलंकार कहलाता है। यानी उल्लेख का मतलब क्या होता है? अनेक प्रकार से वर्णन करना। उदाहरण देखिए, उसके मुख को कोई कमल कोई चंद्र कहता है। तो यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है कि उसके मुख को कोई कमल और कोई चंद्र कहता है। एक और देखिएगा उदाहरण, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो यहाँ पर भी उल्लेख अलंकार होगा। एक और अलंकार, छठवां अलंकार, प्रतीप अलंकार। जी हाँ, किसे कहते हैं? यह अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे मुख सा चंद्र है, तो इस वाक्य में मुख उपमान है और चंद्र उपमेय है, जबकि उपमा अलंकार में क्या था? चंद्र उपमान था और मुख उपमेय था। यानी कि प्रतीप अलंकार किस अलंकार का उल्टा होता है? उपमा अलंकार का उल्टा होता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण और बेहद उपयोगी जानकारियाँ, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।